अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेगरेंस फाइल्स। सो आज जिस कलेक्शन सीरीज का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है ओरिएंटल कलेक्शन बाय MTJ। 10 ml की 5 फ्रेगरेंस बॉटल्स हैं इसमें, कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में ये कलेक्शन सीरीज आती है एंड इट्स मेड इन UAE। MTJ एक पाकिस्तानी डिजाइनर हाउस है जो कि 2021 से मेल और फीमेल ट्रेडिशनल वेयर और फ्रेगरेंसेस पे काम कर रहे हैं। और इस हाउस का मकसद बिजनेस करना या पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हाउस एक नोबल कॉज के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। मैंने काफी वक्त से इस हाउस की फ्रेगरेंसेस ट्राई नहीं की थी, शायद मैं एक्सप्लोर करने से डरता था कि ये हाउस अभी नया है या शायद मेरी नजर अब तक इस हाउस पे नहीं पड़ी थी और मैंने सिर्फ टेस्टिंग के तौर पर इसे ऑनलाइन बाय किया था। और अब तक मैंने इस हाउस की जितनी भी फ्रेगरेंसेस एक्सप्लोर की हैं उन सब से मैं इक्वली सेटिस्फाइड हूं। और इस कलेक्शन सीरीज का फायदा यह है कि आप कम और मुनासिब कीमत में 5 फ्रेगरेंसेस एक्सपीरियंस कर सकेंगे। और दूसरा फायदा यह है कि आपको फुल बॉटल ब्लाइंड बाय नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही अगर आप ये बॉक्स किसी को गिफ्ट करेंगे तो ये गिफ्ट लेने वाले पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन जमाएगी कि आपने उन्हें एक डिजाइनर हाउस का गिफ्ट दिया। इस ओरिएंटल कलेक्शन के अलावा इस हाउस ने और भी कलेक्शन सीरीज लॉन्च की हैं, जैसे कि पर्शियन कलेक्शन, गोल्ड कलेक्शन, डिस्कवरी सेट और हिमालयन इंस्पिरेशंस। और एक्सपीरियंस करने के बाद पता चला कि ये बहुत जल्द आउट ऑफ स्टॉक क्यों हो जाती हैं। सो रिव्यू शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथ ही आपके साथ ये बात भी शेयर कर रहा हूं कि ये ओरिएंटल कलेक्शन उन लोगों के लिए है जिन्हें अरेबिक या मिडिल ईस्टर्न टाइप की फ्रेगरेंसेस पसंद है, या आप में से वो फ्रेंड्स जो कि बिगनर्स हैं और बेसिक फ्रेश और फ्रूटी फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं तो ये ओरिएंटल कलेक्शन उनके लिए नहीं है। इस बॉक्स में 10 ml की 5 डिफरेंट ओरिएंटल फ्रेगरेंसेस हैं। ये तमाम फ्रेगरेंसेस हाई क्वालिटी, हैवी प्रोजेक्शन और अच्छी लास्टिंग देती हैं, क्योंकि इस ओरिएंटल कलेक्शन में फ्रेश और सिट्रसी टाइप की फ्रेगरेंसेस नहीं है। और स्पाइसी, ओरिएंटल, एम्बर, ऊद और वुडी फ्रेगरेंसेस की खूबी ये होती है कि इनकी प्रोजेक्शन और लास्टिंग का कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई आउटडोर इवेंट, पार्टी या गैदरिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप इन्हें रीअप्लाई भी कर सकते हैं, मगर इंडोर्स के लिए आपको हाथ जरा हल्का रखना पड़ेगा। सो इस बॉक्स को ओपन करते ही आपको खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन मिलेगी और हर बॉटल के साथ साथ बॉक्स के ऊपर भी सैंपल का नाम मेंशन है। सो वन बाय वन शुरू करते हैं इनका रिव्यू, जिसपे पहले नंबर पे है ऊद अफराज। 10 ml का जूस है इसमें, कुछ इस तरह की टेस्ट ट्यूब लुकिंग बॉटल में ही आती है। और साथ ही इन तमाम की ऑटोमाइजर्स की थ्रो काफी अच्छी है जो कि इवनली शावर करता है और कपड़ों पर भी स्टेन आने नहीं देता। सो बात कर लेते हैं इसकी खुशबू की, तो इसकी खुशबू में ऊद, रोज और वेनिला का खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है। इसकी खुशबू काफी ज्यादा स्वीट, सॉफ्ट और स्मूथ है, जो कि मुझे काफी हद तक कसामत मोरफ बाय रसासी की याद कराती है। और कसामत मोरफ बाय रसासी का रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है और वो फ्रेगरेंस क्लोन है अरमानी प्रीवियर रोज DRAB बाय जॉर्जियो अरमानी का। सो चलते हैं दूसरी फ्रेगरेंस की तरफ जिसका नाम है ऊद यूसुफ। ये एक स्वीट, वुडी, सेफ्रॉन, स्पाइसी और ऊद बेस्ड यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है और ये फ्रेगरेंस एक अच्छा क्लोन है ऊद फॉर ग्रेटनेस बाय निशो का। सो चलते हैं तीसरे फ्रेगरेंस की तरफ जिसका नाम है ऊद अजीम। इस फ्रेगरेंस में सेफ्रॉन, इंसेंस, कार्डमम, लेदर, एम्बर बहुत स्ट्रॉन्ग एकॉर्ड्स हैं और इन स्ट्रॉन्ग और बोल्ड नोट्स के साथ इसमें स्वीटनेस बिल्कुल नहीं है। सो ये काफी ज्यादा सेलेक्टिव फ्रेगरेंस है और इस फ्रेगरेंस में इतने स्पाइसी नोट्स शामिल किए गए हैं जिसे अगर आप ओवर स्प्रे या इंडोर्स में वेयर करेंगे तो ये आपको चोक जरूर करेगी। और इस फ्रेगरेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या डिफरेंट टाइप की फ्रेगरेंसेस वेयर करने वाले पसंद जरूर करेंगे, मगर मुझे ये फ्रेगरेंस अपने लिए थोड़ी सी ऑफेंसिव लगी। सो चलते हैं चौथी फ्रेगरेंस की तरफ जिसका नाम है बिशार, जो कि इस कलेक्शन में मेरी चॉइस के मुताबिक सबसे टॉप पर है। ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है जिसे मेल्स और फीमेल्स दोनों वेयर कर सकते हैं। साथ ही एक फ्लोरल, स्वीट, सॉफ्ट, हल्की सी वुडी, एम्बर और ओरिएंटल फ्रेगरेंस है। इसकी खुशबू बिल्कुल एक ठंडे से शरबत की तरह है। सो चलते हैं लास्ट फ्रेगरेंस की तरफ जिसका नाम है ऊद सुल्तान। 10 ml का जूस है इसमें, कुछ इस तरह के खूबसूरत से ट्रेवलिंग ऑटोमाइजर में ये आती है। बॉटल को एक प्लास्टिक केसिंग ने कवर किया हुआ है और ये ट्रेवल ऑटोमाइजर बाकी की 4 बॉटल से बिल्कुल डिफरेंट और बहुत खूबसूरत है। और इसके नोट्स में आपको सेफ्रॉन, एम्बर, टोबैको और वुडी एकॉर्ड्स मिलेंगे। ये एक ग्रीन, स्पाइसी, वुडी और टोबैको बेस्ड मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, जो कि मुझे डोमिनिकन टोबैको बाय इब्राहिम अलकरेशी से काफी हद तक सिमिलर लगी। और डोमिनिकन टोबैको बाय इब्राहिम अलकरेशी का डिटेल रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है। ये 5 की 5 फ्रेगरेंसेस ऑफिस या कॉलेज वेयरिंग्स के लिए नहीं है, इन्हें आप आउटडोर इवेंट्स में वेयर कर सकते हैं और ओवर स्प्रे किए बिना इंडोर्स में भी वेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इन्हें जुमे की नमाज या अपने अपने रिलीजन के मुताबिक गैदरिंग्स में वेयर करेंगे तो आपके साथ साथ या आसपास लोगों को भी पसंद आएगी। ये 5 फ्रेगरेंसेस फॉल और विंटर बेस्ड हैं और इन 5 फ्रेगरेंसेस की 6 से 7 घंटों की लास्टिंग है। और आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इस ओरिएंटल कलेक्शन की प्राइस 2780 रुपए है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।